हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मेरा नाम है पूनम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज का जो वीडियो है बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। और इस तरीके से देखिए, मैंने ली है अपनी एक पुरानी कुर्ती। तो इस कुर्ती से ना बहुत ही प्यारा डोरमेट बनके तैयार हो जाएगा। और साथ में मैं लूँगी इस तरह का, देखिए बैग होता है ना, राइस बैग, आटा बैग, जो भी हमारे घर में आता है वो हम यूज़ कर सकते हैं इसके साथ। तो बहुत ही प्यारा गुदगुदा सा और वाटरप्रूफ बनेगा ये डोरमेट। और इसको अगर ज़्यादा बड़ा बनाते हैं तो अच्छा सा फ्लोर मैट भी बन जाएगा। तो चलिए फिर ज़्यादा बातें नहीं करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने बैग लिया है और इसका जो नीचे का बेस है ना, इसको मैं कट कर दूंगी और साइड से भी कट करके इसको मैं ओपन कर दूंगी। तो हमारे घर में तो देखिए आटा बैग, राइस बैग और इस तरह के जो बड़े वाले बैग होते हैं ना, ये भी आते ही हैं, क्योंकि जब हमारे घर में राशन आता है तो इन्हीं बैग के अंदर आता है। तो काफ़ी बड़ा बैग है, इसको मैं कट कर लूँगी और इसको पूरा खोल लूँगी। इस तरीके से देखिए मैंने पूरा कट कर लिया है। अब ये है कुर्ती, तो देखिए ये डबल है, जो नीचे का साइड होता है ना, चाक होती है, ये वो है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कितना है इसका जो चाक है, चौड़ाई है, ये है 18.5 इंच। तो ये कॉटन का है, होता है ना कॉटन के कपड़े सिंक हो जाते हैं, तो इस वजह से ये जो कुर्ती है मेरी सिंक हो गई थी, इसलिए मैं इसको यूज़ नहीं करती हूँ। और लेंथ मैंने ले ली है 28 इंच। तो ये देखिए यहाँ पर जो मैंने 28 इंच नापा है, इसको मैं कट करके अलग कर दूंगी। आप चाहे तो आपके पास अगर बेडशीट है और कोई भी साड़ी वगैरह है, चादर है पुरानी, आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर डबल कपड़ा चाहिए, तो ये मैंने लिया है और साइड से जितना ये ओपन रह गया है कुर्ती, उसको मैं कट कर लूँगी। तो चाक तो देखिए खुले हुए होते ही है ना, तो साइडों से इसे भी कट करके मैं ओपन कर लूँगी इस तरीके से। अब ये देखिए जितना हमारा कपड़ा है ना, उतना ही हमें बैग लेना है और इक्वल इसको कट कर देना है। कट करने के बाद इसमें मैं लगाऊंगी ऑल पिन और इनको सेट कर लूंगी ऑल पिन से। चारों तरफ पिन लगाने के बाद अब जो किनारी है ना, पूरी चारों साइड्स हैं जो, उसको हम सिल लेंगे। पिन्स निकालती रहूंगी और इसको अच्छे से सिल लूंगी। तो बहुत ही आसान काम है, मुश्किल नहीं है, सीधी सीधी सिलाई लगानी है। तो देखिए इस तरीके से ये अटैच हो गया है। अब देखिए सूट जब हम खरीद के लाते हैं तो उसके साथ फॉर्म आती है, या शर्ट हम खरीदते हैं ना तो उसके साथ फॉर्म आती है, वो फॉर्म हमें यूज़ कर लेनी है। तो सेम इस नाप का नहीं है, थोड़ा सा कम हो रहा है, तो यहाँ पर कोई बात नहीं, दूसरा वाला फॉर्म कट करके मैंने लगा दिया है। अब इसके ऊपर जो दूसरा वाला कपड़ा था ना, वो मैं लगा दूँगी इस तरीके से। देखिए सीधा साइड है, ऊपर की साइड, इस तरीके से मैं लगाऊंगी और इन तीनों को अच्छे से मैच करके, इक्वल करके यहाँ पर मैं पिन लगा दूंगी, जिससे कि ये अच्छे से अटैच हो जाए। क्योंकि अगर हम बिना पिन्स के लगाएंगे ना तो ये सेट नहीं होगा, ऊपर नीचे हो जाएंगे। तो तीनों चीज़ों को एक साथ अच्छे से मिला के यहाँ पर चारों तरफ पिन लगा दूंगी। पिन लगाने के बाद चारों तरफ हम सिलाई लगा लेंगे, जिससे कि फॉर्म अच्छे से अटैच हो जाए कपड़े के साथ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर चारों तरफ मैंने सिलाई लगा ली है। और अब हमें क्या करना है, कोई भी कपड़ा हमारे पास हो कंट्रास्ट वाला, वो ले लेंगे हम। और यहाँ पर मैं 7.5 इंच का एक स्क्वायर काटूंगी, 7.5 इंच चौड़ा और 7.5 इंच लंबा, इस तरीके से। तो आपके पास कोई भी कपड़ा हो थोड़ा सा कंट्रास्ट में हो तो आप वो यूज़ कर सकते हैं, जो कि अलग से उसमें दिखे। इस तरीके से देखिए ये पीस कट गया है। अब हमें क्या करना है, 9 इंच लंबी और 1.5 इंच चौड़ी हमें पट्टियाँ काटनी हैं, 4। तो इस तरीके से देखिए टोटल कपड़ा ले लूँगी मैं, 9 इंच लेंथ में लेके मैं 1.5 इंच का निशान लगा दूँगी और उसके बाद फिर कट कर दूँगी। आप चाहे तो स्केल से अच्छे से खींच सकते हैं लाइन, जिससे कि स्ट्रेट कटे। तो मैं ऐसे ही काट लूँ, क्योंकि होता है कि हम लोग अगर कंटिन्यू सिलाई करते हैं ना तो हमारा हाथ सीधे चल ही जाता है। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से मैं निशान लगा लूँगी और यहाँ पर 4 पट्टियाँ इस तरीके से काट के रेडी कर लूँगी। अब देखिए जो स्क्वायर पीस हमने रेडी किया था ना, इस तरीके से बीचों बीच रखना है।
इस तरीके से मैं रख लूँगी और थोड़ा सा फोल्ड करूँगी इसे अंदर की साइड को इस तरीके से, और इसे भी मैं पिन से सेट कर दूँगी। अगर आप डायरेक्ट इसमें सिलाई लगा सकते हैं तो लगा सकते हैं, क्योंकि होता ही है ना कि वो हिल जाएगा तो ये टेढ़ा मेढ़ा अटैच हो जाएगा, इसीलिए इसमें पिन लगाना ज़रूरी है। तो उसको मैंने पिन लगा दिया है और साथ में देखिए इस तरीके से ना निशान लगा लूँगी मैं 6 इंच ऊपर को और 6 इंच साइड में इस तरीके से, और इनको इस तरीके से मिला लूँगी, एक लाइन खींच दूँगी। ये देखिए ये चीज़ ना चारों कोनों में करनी है हमें, ठीक है। जो पट्टियाँ मैंने काटी थी ना वो पट्टियाँ इसमें अटैच करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो ये स्क्वायर पीस है इसको मैं सिल दूंगी, पिन निकालती रहूंगी और इसे अच्छे से सिल लूंगी। तो पिंस जो होती है ना बहुत अच्छे से काम आती हैं, क्योंकि जिस तरीके से होता है ना, एक पहले क्या होता था, हम लोग कच्चा करते थे जब हमें सिलाई करनी होती थी, तो अब ये पिंस बहुत अच्छी हो गई हैं कि पिन लगाते हैं तो कच्चा करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, हमें जहाँ सिलाई करनी होती है हम सिलाई कर लेते हैं। तो बीच वाला जो है मैंने स्क्वायर लगा दिया है। अब जो ये पट्टियाँ हमने काटी है ना, तो देखिए जो 6 बाई 6 से 6 इंच से 6 इंच पे जो निशान लगाया है ना, पूरी स्ट्रेट लाइन बनी है, उसी पे इस तरीके से फोल्ड करते हुए हम इसको सिल देंगे। ये देखिए इस तरीके से थोड़ा सा फोल्ड करूँगी और उसी जो लाइन खींची हुई है मैंने उसी पे मैं सिल दूँगी। वो सिलने के बाद देखिए दूसरी साइड से भी अंदर को फोल्ड करूँगी और यहाँ पर भी मैं सीधी सिलाई लगा दूँगी। तो ये मैट बहुत काम का है, बिल्कुल भी ठंड नहीं लगेगी इस पे अगर आप यूज़ करते हैं, इस पे खड़े होते हैं या फिर बैठते हैं। ये देखिए यहाँ पर मैंने चारों तरफ भी लगा दिया है और बीच वाला भी रेडी हो गया है, और जितनी भी सिलाइयाँ लग गई हैं अच्छे से फॉर्म अटैच हो गया है कपड़ों के साथ और जो आटा बैग था उसके साथ। अब देखिए यहाँ पर मैं 2.5 इंच की पट्टी लूँगी इस तरीके से, जितनी भी किनारी है ना उसकी मैट की उसके बराबर हमें ये लेना है। तो यहाँ पर 4-5 पट्टियाँ मैं काट लूँगी और फिर इनको आपस में सिलाई करके जोड़ दूँगी, क्योंकि एक बड़ी पट्टी चाहिए हमें जो कि मैट को हम चारों तरफ से कवर कर सकें। तो ये देखिए इतनी सारी मैंने पट्टियाँ काटी है, तो इनको आपस में मैं सिल के, ये देखिए ऐसे सिल के, और फिर इसको पलट के यहाँ पर मैं टॉप सिम लगा दूँगी, जिससे कि इसमें फिनिशिंग आएगी और काफ़ी मजबूती भी आएगी। अब ये पट्टी लगाने के लिए ना पहले इसे थोड़ा सा फोल्ड कर लीजिए, क्योंकि जब जॉइंट होगा ना पट्टी का तो इससे बहुत क्लियर होता है। इस तरीके से थोड़ा सा फोल्ड किया है मैंने और उल्टा रखा है मैंने मैट को, और फिर इसको इसके साथ जोड़ दूंगी पट्टी के साथ मैट को। तो बहुत आसानी से बनने वाला मैट है और बहुत ज़्यादा काम का है, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, दोनों ही टाइम पे ये बहुत काम आएगा। और अगर आप इससे बड़ा साइज़ का बनाते हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा। तो देखिए जितने भी कॉर्नर्स हैं इनको मैं इस तरीके से कट कर दूंगी और थोड़ा सा नोचिस दे दूंगी जो कि फिनिशिंग आ जाए कॉर्नर में। ये देखिए दो दो नोचिस दूंगी बस, ज़्यादा नहीं। अब देखिए मैंने इसको सीधे साइड से ऐसे फोल्ड करके सिलना स्टार्ट कर दिया है, तो पट्टी को मोड़ती जाऊंगी और सिलाई करती जाऊंगी। तो देख सकते हैं आप बहुत ज़्यादा टफ़ काम नहीं है, सीधी सीधी सिलाई लगानी है और बहुत ही प्यारा मैट बन के तैयार हो जाएगा। और घर के पुराने सामान से बना है, इसमें ज़्यादा तामझाम भी नहीं है और पैसे भी कुछ नहीं लगे हैं, घर के ही सामान से थोड़ा सा टाइम लगा है बस। और देखिए हम लोग जो हाउस लेडीज़ होती है ना, हम लोग अपने टाइम को यूटिलाइज़ करना अच्छे से जानते हैं। दोपहर में अगर हमें टाइम मिलता है तो हम लोग सोचते हैं कि कुछ ना कुछ कर लें, जिससे कि कुछ चीज़ बन जाए घर में और देखने में भी अच्छा लगे और थोड़े से पैसे भी बच जाएँ। तो देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से इसको जोड़ना है, जो हमने फोल्ड किया था ना आगे से पार्ट पट्टी का, वो नीचे की साइड आएगा और उस तरीके से उसको मोड़ के सिल देना है, उसमें फिनिशिंग आ जाएगी। तो देखिए इस तरीके से ये मैट बनके तैयार हो गया है, बहुत सॉफ्ट है, बहुत गुदगुदा है, बिल्कुल भी ठंडक जो है फर्श की नहीं आएगी। आप इसका बड़ा भी बना सकते हैं इसी के जैसा, ये मैंने एग्जांपल बताया है। तो आप इसे किचन में लगाइए, किचन में हमारा बहुत काम होता है, या फिर सोफे के पास लगाते हैं वहाँ लगा सकते हैं, एज ए डोरमेट यूज़ कर सकते हैं, फ्लोर मैट यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत ही काम का है और घर के बेकार जो कपड़े पड़े हुए थे हमारे, जो रिजेक्ट हो चुके थे, उनसे बना हुआ है। तो देख सकते हैं देखने में कितना प्यारा लग रहा है और मेहनत भी ज़्यादा नहीं है।
तो कैसा लगा आपको ये प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ ऐसी ही अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।